Hi, my name is Bhavish Shah. I am founder director of Payscale Academy. Friends, मेरे वीडियोस ह्यूमन रिसोर्स पे रहते हैं और ये बेसिकली देखने जाए तो जो एचआर बडिंग प्रोफेशनल्स हैं या जिनको अपना करियर एचआर में बनाना है उनके लिए वीडियोस में बनाता हूँ और ज़्यादातर ये आपका टेक्निकल और मैनेजमेंट नॉलेज इंक्रीज करे उसके लिए बनाता हूँ। कमिंग टू माई फाइनल से ये वीडियोज़ देखने के बाद सही में आपको लगता है कि आपका नॉलेज अपग्रेड हुआ है तो प्लीज़ बेल आइकन पे सब्सक्राइब कीजिए उस तरह से, जिससे कि हमेशा कोई भी एक वीडियो बनाने वाले को एक मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, राइट। सो नॉट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट टॉपिक टुडे, राइट। टुडे आई एम टेकिंग अ टॉपिक कॉल्ड द गोल्डन रूल ऑफ पीएफ, राइट। अब गोल्डन रूल ऑफ पीएफ क्या रहता है बेसिकली, आज मैं आपको ऐसी तीन चीज़ें बताने वाला हूँ जो प्रोविडेंट फंड में आपने देखी है सुनी है, मगर इंटरव्यू के वक्त हमेशा आपको एक एम्बिग्यूटी आ जाती है कि सही में क्या इसका आंसर यही होगा, मतलब वी डोंट फील ए कॉन्फिडेंस अबाउट while giving the answers. Let's talk about it. The first part, जैसे PF में हम सबको पता है कि 20 plus या employees होते हैं, 20 और 20 plus employees, तो PF is applicable, right? Now coming to my point, पहला question होता है कि क्या भाई मेरी किराना shop है या मेरी छोटी सी shop है, मैं ढाबा चला रहा हूँ, उसमें 22-25 लोग waiter ये वो लोग सब काम कर रहे हैं, तो मुझ पर क्या PF applicable होगा? तो एज एन एच आर जब पूछने जाते तो वी आर इन एम्बिग्यूटी कि नहीं यार इस पर तो नहीं हो सकता उस तरह से, क्योंकि ये तो किराना शॉप या ढाबा चला रहा है, वेदर रूल बी एप्लीकेबल और नॉट। नाउ दैट इज़ द वाई वहाँ पे हम कॉन्फिडेंस से आंसर्स नहीं दे पाते हैं। नाउ कमिंग टू योर फर्स्ट क्वेश्चंस, कि वर्ड ऑर्गेनाइजेशन यूज़ नहीं होता है पीएफ में, वर्ड होता है यूज़ एस्टैब्लिशमेंट, मतलब कि शॉप एक्ट, कि यदि आपका शॉप एक्ट कोई भी एक बिजनेस चालू करते तो आपको शॉप एक्ट लेना ज़रूरी है, मतलब कि यदि आप ढाबा चला रहे हो, किराना स्टोर चलो या रियल एस्टेट की कंपनी है, तो भी यदि 20 को क्रॉस करोगे तो पीएफ एप्लीकेबल होगा। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि भाई ऐसे तो काफ़ी लोग हैं जहाँ पे 25-30 लोग काम कर रहे हैं आपके नज़र के सामने, बट वो एस्टैब्लिशमेंट पीएफ एप्लीकेबल नहीं करता है। फाइन, डेफिनेटली दैट इज़ अ एंटायर डिफरेंट थिंग। हम यहाँ पे लॉ की बात कर रहे हैं कि लॉ क्या बोलता है, अब आप उसको फॉलो करो या ना करो, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। सो दैट इज़ अ फर्स्ट थिंग। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं कि समझिए कि जो भी एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एक दूसरी एम्बिग्यूटी हो कि एचआर ने आपको क्वेश्चन पूछा कि भाई भावेश ये सभी एम्प्लॉयज़ मेरे पेरोल पे नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, थर्ड पार्टी पे है, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ है, तो वाई आई शुड गो फॉर द पीएफ, क्योंकि ये तो मेरे एम्प्लॉयज़ ही नहीं है, मेरे वहाँ सिर्फ काम कर रहे। नहीं, आपके एस्टैब्लिशमेंट में यदि वो लोग काम कर रहे हैं थर्ड पार्टी पे, पेरोल पे या कॉन्ट्रैक्ट पे, तो भी 20 लोग आपके स्पेस के अंदर काम कर रहे हैं तो पीएफ एप्लीकेबल होगा। तो ये दूसरा रूल मैंने आपको बताया। तीसरा रूल मैं बताता हूँ जो मेन गोल्डन रूल ऑफ पीएफ बोला जाता है, कि हम एक दो एग्जांपल लेंगे, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए में समझिए एक लॉजिक है कि भाई 15 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो डेफिनेटली मैं पीएफ के अंदर नहीं आता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं पीएफ ऑफिस में गया और मैंने बोला कि भाई मुझे पीएफ नंबर चाहिए वॉलेंटरी, मैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली पीएफ विल बी से वॉलेंटरी आप लेना चाहते हो, नॉट एन इश्यू। अब समझिए 8-9 मंथ्स के बाद मुझे लगा कि ये तो 16 लीगल एस्पेक्ट्स आ रहा है, आई डजेंट वॉन्ट टू गो फॉर द पीएफ। अगेन आई विजिट टू द पीएफ ऑफिस एंड आई से टू पीएफ ऑफिसर दैट आई डजेंट नीड द पीएफ, आई हैव टेकन वॉलेंटरी एंड इवन आई डजेंट कम अंडर द लॉ ऑफ 20 एम्प्लॉयज, तो भाई 20 एम्प्लॉयज के अंदर तो मैं नहीं आता हूँ। बट नो, एक बार आपने पीएफ नंबर ले लिया, आप 15 एम्प्लॉयज थे या एक एम्प्लॉय था, जब तक आप अपना बिजनेस क्लोज डाउन नहीं करते हो तब तक पीएफ एप्लीकेबल आपको रहेगा, भले आपने वॉलेंटरी लिया है तो भी। कमिंग टू द कंपनी बी एग्जांपल, कि मेरे वहाँ 50 एम्प्लॉयज थे फॉर एग्जांपल, और पेंडेमिक की वजह से या कोई और चीज़ों की वजह से समझिए कि मेरा स्ट्रेंथ कम हो गया, 20 से कम क्या है, जस्ट 18 एम्प्लॉयज। अगेन आई विल गो विद द रूल कि भाई आपने बोला था 20 प्लस को अप्लाई होता है, अब तो मैं 18 एम्प्लॉयज है तो अब मुझे पीएफ के लिए नहीं जाना है, पहले मैं था, राइट। नो, अगेन द रूल सेज कि एक बार आपने पीएफ नंबर ले लिया तो जब तक वो कंपनी आप बंद नहीं करोगे तो भी आप एक एम्प्लॉय को भी पीएफ आपको पे करना पड़ेगा। सो ऑल द थिंग्स आई एम अगेन ट्रांसफरिंग इन टू नटशेल। पहला पॉइंट एस्टैब्लिशमेंट का, कि ढाबा से लेके किराना से लेके एमएनसी तक 20 लोग काम कर रहे हैं, पीएफ एप्लीकेबल होगा। दूसरा, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रैक्ट पे हो, पेरोल पे हो, थर्ड पार्टी पे हो, मगर आपके यूनिट में काम कर रहे, आपकी स्पेस में काम कर रहे, पीएफ एप्लीकेबल वापस होगा। और तीसरा, गोल्डन रूल ऑफ पीएफ की वंस द मेंबर ऑफ पीएफ ऑलवेज द मेंबर ऑफ पीएफ। व्हाई? कि ये लॉजिकली जब तक आपका बिजनेस क्लोज डाउन नहीं होगा तो भी पीएफ लगेगा। सो नाउ व्हेन यू गिव द एचआर इंटरव्यू अबाउट द पीएफ, बी वेरी मच क्रिस्टल क्लियर कि ये तीन पॉइंट कहीं से भी गोल घूम के पूछे, योर आंसर शुड बी वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेज अपग्रेड हुआ होगा आपका।
एंड एज आई एम ए मार्केटिंग पर्सन डेफिनेटली सो इवन आई विल पुट माई पॉइंट हियर वी आर ऑल्सो गिविंग एन ऑनलाइन प्रैक्टिकल एच आर ट्रेनिंग आई एम फ्रॉम एज आई टोल्ड फ्रॉम पेसकर अकेडमी अबाउट द कंपनी वी आर इन द इंडिया फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स एंड वी हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स विद 15 प्लस ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया विद टू वी प्लेस ओवर कैंडिडेट्स विद मोर देन 152 प्लस कंपनीज एंड ट्रेन मोर देन 5000 प्लस कैंडिडेट्स तो कुछ भी ऐसा आपको वापस आगे जाके अपग्रेड करना हो यू कैन जस्ट विजिट अवर वेबसाइट एंड यू कैन इंक्वायर अबाउट द ट्रेनिंग राइट एंड होप यू और आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई एम जस्ट गोइंग द नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग इन विद इन 3 डेज प्लीज़ वॉच इट आउट थैंक यू.